हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पार्थेम्स। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि जो पीडीएफ फाइल है, जब आप डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र या फिर क्रोम ब्राउज़र में ऑटोमेटिकली ओपन होती है। उसके जगह पे हम लोग उसको डाउनलोड कैसे इनेबल कर सकते हैं वो आज देखेंगे। सबसे पहले एक डेमो हो जाए कि आप डायरेक्टली ये फाइल कैसे ओपन होती है। अगर मैं मिडल माउस क्लिक बटन करता हूँ यहाँ पे, तो ये डायरेक्टली दूसरे विंडो में ओपन हो जाएगी या फिर नए टैब में ओपन हो जाएगी, या फिर राइट क्लिक करके नए टैब में भी आप ओपन कर सकते हो। जब ये नए टैब में ओपन होती है तो ये डाउनलोड करने की कोशिश करता है और ये ओपन करता है फाइल। अगर आपके पास बड़ी फाइल हो, जैसे कि 100 MB की, 200 MB की, तो उस टाइम पे ये दिक्कत आ सकती है कि आपका क्रोम क्रैश हो सकता है या फिर स्लो हो सकता है, या फिर कभी 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 कनेक्शन डिसकनेक्शन के वजह से ये फाइल करप्ट होके सेव हो जाती है या फिर लोड नहीं होती है। तो उसके लिए क्या करें, सबसे पहले आपको जाना है क्रोम के ग्रिड में, जो राइट हैंड साइड में आपके 3 डॉट्स दिखेंगे उस पर क्लिक करना है। उसके बाद सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद लेफ्ट साइड में आपको ऑप्शन दिखेगा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो उसमें एक साइट सेटिंग्स करके एक ऑप्शन आता है, तो अगर उसको एक्सपांड करोगे तो उसमें कंटेंट रिलेटेड एक ऑप्शन रहता है सेटिंग का, जो बॉटम में मिलेगा आपको। अगर आप बॉटम में आओगे तो उसमें कंटेंट सेटिंग में एडिशनल कंटेंट सेटिंग है, आपको उसे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे उसके अंदर एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन रहेगा, उसको एक्सपांड कीजिए। जैसे ही एक्सपांड करोगे वहाँ पे एक सेटिंग होती है, डाउनलोड पीडीएफ फाइल इंस्टेड ऑफ ऑटोमेटिकली ओपनिंग देम इन क्रोम। मतलब क्या है कि अगर आप इसको एनेबल करोगे तो ये फाइल्स, पीडीएफ फाइल्स आपको डाउनलोड करके मिलेगी, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप डिजेबल रखोगे तो ये जो आप पीडीएफ डाउनलोड करने की कोशिश करोगे तो वो नए टैब में ओपन हो जाएगी। चलो देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। तो मैं इसको एनेबल कर रहा हूँ और एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मिडल माउस क्लिक का बटन दबाऊंगा तो ये नए टैब में ओपन होने की कोशिश करेगा और ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी मेरा ये सेटिंग्स एनेबल्ड है, तो इसकी वजह से ये फाइल डायरेक्टली डाउनलोड हो रही है आपके ड्राइव पे। जो भी आपका डिफ़ॉल्ट लोकेशन रहेगा उसको आप चेक कर सकते हो, ये डाउन एरो पे शो फोल्डर, और ये डाउनलोड फोल्डर के अंदर बाई डिफॉल्ट जाएगा, जहाँ पे भी आप डिफ़ॉल्ट लोकेशन रहेगा आपका डाउनलोड वाला। और अगर मैं इसको डिसेबल करता हूँ तो फिर से आप अब भी देख सकते हो कि जो पीडीएफ फाइल है नए टैब में ही ओपन या फिर डाउनलोड होने की कोशिश करेगी। तो ये ऐसे कंट्रोल करते हैं कि आप जो पीडीएफ फाइल है उसको डाउनलोड करें ये सेटिंग एनेबल करके। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आ जाएगा, और आप और मेरे काफ़ी सारे जो वीडियोस है उसके थ्रू भी जाइए, आपको काफ़ी सारा हेल्प हो जाएगा कि छोटी छोटी चीज़ें जो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, उसके बाद क्रोम है, तो वो सब चीज़ों में आपको हेल्प हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।